हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपका किचन का काम आसान करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। किचन का काम आप ही को करना है, बस थोड़ा सा आसान कर दूँगी और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले एक बर्तन में 1.5 गिलास पानी लेके उसे गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाए तो 1 चम्मच तेल डाल करके पास्ता डाल देंगे। पास्ता बॉयल होने के बाद उसे छलनी में डाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1.5 चम्मच तेल डालेंगे और 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच जीरा डाल करके इसे तड़कने देंगे। इसके बाद में 1 प्याज का पेस्ट लेंगे और उसे डालकर थोड़ी देर पकाएंगे। फिर डाल देंगे हम 1/2 से ज़्यादा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो थोड़ा कम रख लें। इसके बाद में इन्हें थोड़ी देर पका लेंगे और फिर 1 मैगी मसाला का पाउच डाल देंगे, इससे और भी अच्छा स्वाद आएगा। इसे डालने के बाद में हम थोड़ी सी देर 1 से 1.5 मिनट चला लेंगे। फिर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस डालने से ये रेड सॉस पास्ता हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। टमाटर वैसे भी महंगे हैं तो आज हम सॉस पास्ता ही बनाकर तैयार कर लेंगे, वो भी प्याज से। जब इसे 1/2 मिनट के लगभग हो जाए पकने के बाद में सॉस डालने के बाद, तो हम जो पास्ता बनाकर तैयार किए थे उन पास्ता को डाल करके अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। जब सभी पास्ता अच्छे से कोट हो जाएंगे, इसके बाद में बच्चों के टिफिन बॉक्स में थोड़ी सी चीज़ डाल करके और फिर डाल करके दें, आप देखेंगे कि बच्चे एक दाना भी बचा करके नहीं लाएंगे, पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। तो आज का टिफ़िन का आइडिया कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हुई ना आपकी किचन की टेंशन ख़त्म, मेरी भी यही टेंशन रहती है रोज़ रोज़ की, और उससे बड़ी टेंशन हो गई टमाटर की। टमाटर के भाव ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे टमाटर नहीं कोई सेठ जी के भाव बढ़ रहे हैं। टमाटर ने तो हालत ख़राब कर रखी है। आपके यहाँ टमाटर के क्या भाव हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।